जब क्रांतिकारियों से आंदोलन स्थगित कर देने की अपील की गई थी, तब उसका उत्तर देते हुए गांधी जी के नाम सुखदेव ने खुली चिट्ठी लिखी, जो नवजीवन 30 अप्रैल 1931 के अंक में प्रकाशित हुई। उसमें लिखा था, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नाम से ही साफ पता चलता है कि क्रांतिवादियों का आदर्श समाज सत्तावादी प्रजातंत्र की स्थापना करना है। यह प्रजातंत्र मध्य का विश्राम नहीं है। उनका ध्येय प्राप्त न हो और आदर्श सिद्ध न हो तब तक वे लड़ाई जारी रखने के लिए बंधे हुए हैं। परंतु बदलती हुई परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार वे अपनी युद्ध नीति बदलने को तैयार अवश्य होंगे। क्रांतिकारी युद्ध जुदा जुदा मौके पर जुदा जुदा रूप धारण करता है। कभी वह प्रकट होता है, कभी गुप्त, कभी केवल आंदोलन रूप होता है और कभी जीवन मरण का भयानक संग्राम बन जाता है। ऐसी दशा में क्रांतिवादियों के सामने अपना आंदोलन बंद करने के लिए विशेष कारण होने चाहिए, परंतु आपने ऐसा कोई निश्चित विचार प्रकट नहीं किया है। आपके समझौते के बाद आपने अपना आंदोलन बंद किया है और फलस्वरूप आपके सब कैदी रिहा हुए हैं, पर क्रांतिकारी कैदियों का क्या? वो सालों से जेल में सड़ रहे हैं, कुछ फांसी पर लटकने की राह देख रहे हैं। इन सबका क्या? लाहौर केस के 3 कैदी